नमस्ते दोस्तों, महेश मिस में आप लोगों को फिर से स्वागत है। आज मैं दोस्तों आप लोगों को K8 वायरलेस कॉलर माइक के बारे में बताने वाला हूँ और इसका अनबॉक्सिंग और यूज़ कैसे करते हैं वो आपको दिखाऊंगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं। और इसको निकालते हैं, इसके अंदर क्या क्या है। तो ये हम खोल लिए हैं और इसके पास पहले जो बॉक्स है इसके अंदर हम देखेंगे कि इसमें है शॉर्ट यूएसबी कॉर्ड जो टाइप सी है जो चार्ज देने के लिए है, और ये है टाइप सी जो चार्ज देने के लिए है यूएसबी कॉर्ड, और ये है दोस्तों माइक जो ये भी टाइप सी है, ये अपने कॉलर में आएगा। और ये है दोस्तों रिसीवर, और ये दोस्तों जो है आईफोन का शॉर्ट पिन जिसमें हम आईफोन में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। और ये दोस्तों हम पीछे अंदर देखेंगे तो इसके अंदर एक छोटा सा मैनुअल बुक है जो हमें इंस्ट्रक्शन देगा कि इसे कैसे यूज़ करते हैं। तो इसे भी हम बगल में रख देंगे, इसके बाद देखेंगे। ये है जो कंडेंसर माइक वायरलेस, और इसे पीछे में दोस्तों एक छोटा सा बटन होता है पावर बटन, अगर हम इसे उल्टा करेंगे तो अच्छी तरह से देख पाएंगे। ये जो है साइड में चार्जिंग के लिए टाइप सी का पोर्ट दिया हुआ है, और ये नीचे जो है ये पावर के लिए है। इसे हम दबा के थोड़ा सा दबाएंगे तो ये ऑन हो जाएगा। अब ये दोस्तों रिसीवर है जिसे हम फोन में देंगे फोन के लिए है। इसका जो अलग में एक V3 कोड भी आता है जो इस बॉक्स में नहीं है, जो दूसरे बॉक्स में भी होता है। और ये मैंने पावर ऑन कर दिए, देखते हैं पावर ऑन करके। ये पावर ऑन हो गया, थोड़ा सा दवा लाइट जलने के बाद ही छोड़ देंगे तो ये ऑन हो जाएगा, नहीं ज़्यादा जोर दबाने से ऑफ हो जाता है। तो अब हम इसे देखते हैं कनेक्ट है, ग्रीन लाइट जल गया है, ये कनेक्ट है। अभी हम तो जब भी ये पोर्ट हमने फोन से खोल दिए तो ये लाइट ब्लिंक कर रहे हैं, तो इसे हम अच्छी तरह से देखेंगे। ये देखो लाइट दोस्तों ब्लिंक कर रहा है, जो जैसे कि ब्लूटूथ में होता है, तो ये लाइट ब्लिंक कर रहा है, मतलब ये अभी ब्लिंक है। और ये देखो फिर से ये लाइट बंद हो गया, मतलब मैंने जो रिसीवर फोन में घुसा है तो तुरंत ही ये कनेक्ट कर लेता है अपने आप, बहुत बढ़िया है। अभी हम स्विच ऑफ कर देंगे और अभी हम इसके चार्जिंग के बारे में हम और आपको बताएंगे ये गया यूज़। तो अभी दोस्तों हमने इसे चार्ज में बिठाया है, जब हम इसे चार्ज में बिठाएंगे दोस्तों इसमें कोई लाइट नहीं जलता है, ये थोड़ा सा इसका माइनस पॉइंट है। इसलिए दोस्तों जैसे कि आजकल जो चार्जर होता है 2 एम्पीयर होता है, 2.2 एम्पीयर उससे ज़्यादा भी चार्जर होता है, तो इसलिए दोस्तों इसे हम आधा घंटे से ज़्यादा चार्ज नहीं देंगे। अगर ज़्यादा टाइम चार्ज देंगे तो बैटरी ख़राब हो जाएगा। ये दोस्तों ये ऑन है, और जब भी मैंने चार्जर में घुसाया चार्जर कॉर्ड का यूएसबी कॉर्ड टाइप सी कॉर्ड घुसाया तो ये लाइट बंद हो गया है। तो इसलिए दोस्तों अच्छी तरह से ध्यान दे के हमें इसे यूज़ करना है, नहीं तो इसका बैटरी जल्दी ख़राब हो जाएगा। आधा घंटे से ज़्यादा चार्ज नहीं लेना है, उससे कम हो तो बढ़िया। जब भी हम यूज़ करेंगे थोड़ा सा चार्ज 10-15 मिनट चार्ज में बिठा के हम यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था रिव्यू, अगर इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। और ये जो है यूएसबी पोर्ट जो मैंने अलग खरीदा है अलग से कंप्यूटर में चलाने के लिए, वो टाइप से